दोस्तों, मैं कब से सोच ही रहा था कि क्यों ना एक वीलॉग बनाया जाए। वीलॉग के लिए कुछ टॉपिक भी हमें मिल नहीं रहा था। मैंने काफ़ी सर्च किया बट फाइनली मुझे एक टॉपिक मिल गया। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत छोड़ो जो यात्रा है वो आने वाली है, और मैं आपको बताऊँ, मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाऊँगा। बोलते हैं ना कि बिहाइंड सीन्स, मैं आपको वो सारी सीन भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये बैनर लग चुके हैं। मतलब आप मानोगे कि पहले तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक सिंगल बैनर नहीं मिलेगा आपको पहले, बट अभी क्या है, पूरी की पूरी रोड पैक है। और अभी आप देखोगे ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर कि कितने बैनर लगे हुए हैं, और मतलब ओवरऑल इतना गर्मा गर्मा माहौल हो चुका है ना। सर्दी वैसे ही पड़ रही है बट यहाँ माहौल गर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम जो इनके मेन रूट है ना, NH1 से लेकर सीधा अम्बाला कैंट के जो बस स्टैंड पर, तो मैं आपको सीधा वहाँ लेकर चलूँगा और ये हमारी यात्रा अब शुरू होती है। अब देखना, मैं आपको बीच बीच में सब दिखाते चलूँगा कि क्या क्या माजरा है, ये क्या इन्होंने रखे हैं। ये देखिए, यहाँ हम, ये हमारा क्या ओवर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ इन्होंने पूरा का पूरा पैक कर रखा है और यहीं से इनकी सारी यात्रा जाएगी। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बैनर। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको और व्यू भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ बैनर थोड़ी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। देखिए, ये है हमारा GT रोड, ये है हमारा GT रोड। और ये देखिए, और यहाँ पर हम चलते जाएंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, प्लस आगे आप देखोगे एक स्ट्रीट कॉरिडोर भी बन रहा है। ये देखिए, ये सारे, ये सब है ना, ये सब बैनर लेकर खचाखच भरा हुआ एकदम। अभी आप देखिए आगे, ये देखो राहुल गांधी और ये इनके सारे जो भी इनके स्टेट के जो अध्यक्ष हैं इनके, ये देखिए, ये पूरा एकदम, ये है वो फ्रीट कॉरिडोर जो बन रहा है यहीं पर। अच्छा आप देखिए, ये देखिए, ये सारा का सारा एकदम पैक है। वैसे आपको यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, अभी तो ये थोड़ी बहुत आपको भीड़ दिख रही है। अभी आप आगे देखिए, देखो ये हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधे रेलवे स्टेशन, या मैं कहूँ बस स्टैंड, दोनों की जगह पर है आसपास ही। ये है वो फ्रीट कॉरिडोर जो लगभग आप मान के चलो 1.5-2 साल से बन रहा है। ये देखिए, ये हम चल रहे हैं और ये पूरा का पूरा एकदम इस टाइम पूरा कोहरा छाया हुआ है। किसी तरीके से वीडियो हम शूट कर रहे हैं, स्ट्रीट व्यू को तो हम शूट करके रहेंगे। ये देखिए, और ये यहाँ पर इन्होंने राइट लेफ्ट दोनों ही साइड एकदम पैक कर रखा है। ये यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है और देखिए पूरी ग्रीनरी भी है। और ये देखिए, ये एकदम शानदार वाला बैनर, एकदम बड़ा फुल साइज़। अभी आपको और भी बैनर दिखेंगे। देखिए अभी आप, ये हम जा रहे हैं और अभी हम मेन हाईवे को चढ़ जाएंगे और ये हम पहुँचे कट की तरफ। अभी ये देखिए, अब ये पूरा क्या है, ये ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, और पूरा मतलब ये कहते हैं ना कि अंडरपास्ट, उस टाइप के एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा सारा। ये हमारा यहाँ पर है अंडरपास, ये हर जगह मतलब यहाँ पर वैसे आपको कुछ मिलेगा नहीं खास ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल इतना गर्मा गर्मी रहती नहीं है। बट क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है तो कुछ ना कुछ तो गर्मा गर्मी होगी ना। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं और एकदम काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, अब यहाँ काफ़ी लाइटिंग अच्छी है, आप विजिट भी कर सकते हो यहाँ पर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, स्पेशली रात का टाइम पर, और वो भी NH1 की तरफ। ये देखिए पूरा, और एक बात और, यहाँ पर जींद पुलिस अपना रोल प्ले कर रही थी। मतलब भाला पुलिस तो है ही, बट इन्होंने जींद की पुलिस को भी यहाँ पर रखा हुआ। ये हमारा खड़गा, हाँ ये देखिए, ये हमारा NH1, ये हाईवे, और ये सारा भी देखिए आप, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये हमारा खड़गा सोल्जर्स का, और ये देखिए 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 देखिए, ये है ना, ये एक और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रॉली, ये सब इस यात्रा से ही एसोसिएटेड हैं। होता ना कि उनके लिए बना रखे हैं रहने के लिए, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरा, मैं बोलूँ कि उस लेफ्ट साइड पर क्या है, हमारी रेलगाड़ी होती है ना, वो उसका ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं, और इस टाइम आप मानोगे बहुत सर्दी है,
बट वीडियो हम शूट करेंगे। ये देखिए 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 ये, और अभी देखिए आप, ये एक और ये पीछे चलते हुए, मतलब अभी आप देखिए आगे चलकर यहाँ पर, ये देखो ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी एक अंडरपास है जहाँ हम अभी चल रहे हैं। अच्छा, और ये देखिए देखिए यहाँ पर अभी हम पहुँच रहे हैं, बस 500 मीटर या 600-700 मीटर के आसपास आ जाएगा हमारा रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये हमने एंटर किया और ये लगभग हम पहुँचने को है। अभी यहाँ पर अभी आप देखना काफ़ी आपको खचाखच गर्मा गर्मा हॉल मिलेगा, और ये हम लगभग पहुँचने को आए, और यहाँ पर आपको काफ़ी सिक्योरिटी भी मिलेगी। हम आपको जो यात्रा का भी है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर, उसको भी हमने सोचा शूट करेंगे। ये देखें ये हमने एंटर किया और हम लगभग पहुँचने को, और ये देखिए यहाँ पर ना पूरा इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखोगे, राइट साइड पर इन्होंने सारा का सारा कवर कर रखा है तिरंगे से। ये देखिए ये भी बैनर इस पूरे ट्रॉली या मैं कहूँ पिकअप वैन में सब में बैनर है। ये देखिए ये क्योंकि यहाँ दिल्ली सेंटर कर रहे हैं ना, वो कुरुक्षेत्र सेंटर कर रहे हैं, ये पूरा इन्होंने यहाँ कवर कर रखा है। हालांकि ये यहाँ होता नहीं है जो आप तिरंगा देख रहे हो राइट साइड पर अपने। ये देखिए ये एंट्री पॉइंट, और ये यहाँ पर इनका शायद भाषण होगा, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर भाषण होगा। और ये जो है यहाँ से आप राइट में जाओगे, सामने सीधा आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा बस स्टैंड, और लेफ्ट में वहाँ पर है रेलवे स्टेशन। वो देखिए ये यहाँ पर सारे के सारे ऑटो वगैरह ये सब यहीं रहते हैं। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये हमारा यहाँ पर आ गया अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। और ये देखिए ये एकदम भरा हुआ है अभी, ये देखिए, और ये, और ये एंट्री पॉइंट, मतलब वहाँ से एंटर करेंगे हम तो, कर चुके हैं ना एंटर। हाँ ये देखिए मैं देख लीजिए लैंडस्केप में, हाँ ये, और ये हम पहुँचे, ये सारे कटआउट लगे हुए हैं, और अभी ये और बढ़ेंगे रात को क्योंकि उसे सब काम चल रहा है। वो जो उधर लोग बड़ा सा किला वहाँ से निकलते हैं जगह, काफ़ी फेमस ये मिलती हैं, जैसे एक है उसको कहते हैं हम कुछ, मतलब नॉन वेज का बड़ा फेवरेट है यहाँ पर ख़ास। तो ये था हमारा वीलॉग, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। हम ऐसे वीलॉग भी अब लेकर के आएंगे, हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और इंटरेस्टिंग किया जाए, तो होपफुली ये वीलॉग आपको मज़ेदार लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।